हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एम्ब्रॉयडरी वाले सूट की कटिंग सिखाने वाली हूँ। इस ट्रिक के साथ आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट की कटिंग जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हो। क्या होता है कि जो एम्ब्रॉयडरी वाला सूट होता है उसके कई बार हम कटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है वो हमारे अच्छे से सेट नहीं बैठता है। तो आप इस तरह से कटिंग करोगे तो कभी भी आपको ये परेशानी नहीं आएगी। देखिए, जैसे कि मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है सूट को, इसमें देखिए मैंने ध्यान रखा हुआ है नेक का। ये देखिए नेक जो है हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है इसका। तो इसमें अगर हमने इसी तरह फोल्ड कर लिया इसको, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है इसका ध्यान हमने नहीं रखा तो बहुत ही परेशानी आती है। इसमें हमारी जो वर्क है अच्छे से सेट नहीं बैठता है, गला जो है हमारा इधर उधर चला जाता है जो मुझे वर्क किया हुआ है। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। जैसे ये नेक के ऊपर कटिंग है, सॉरी वर्क हुआ है, तो आपने इसका कैसे ध्यान रखना है, देखिए बिल्कुल हमने सेंटर रखना है इसका। जैसे ये देखिए ये लाइन जा रही है और यही सेम लाइन दूसरी साइड भी है इसकी। ये देखिए इस साइड के ऊपर भी ये लाइन बनी हुई है और इस साइड पर भी ये लाइन जा रही है। तो इस हमने इन दोनों को ये देखिए एक साथ रखना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और इसका बिल्कुल सेंटर रखना है हमने। और उसके बाद देखिए ये नीचे भी इसके, ये देखिए ये नीचे भी इसके वर्क हुआ हुआ है। तो हमने अगर हम नेक को सेंटर में रखेंगे तो अपने आप ही नीचे से जो सेटिंग है वो आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका सेंटर रखे ही इसको सीधा लेना है। हमने नीचे गियर को नहीं सेंटर में रखना है, हमने नेक जो है इसको सेंटर में रखना है। चलिए अभी हम इसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ऊपर से इसका ये देखिए तीरा रखना है। तीरा जो है इसका मैं 7 इंच ले रही हूँ। ये 7 इंच के ऊपर मैंने ये निशान लगा लिया, देखिए पूरा 7 इंच हमने रखना है। यहाँ से ये 7 इंच के ऊपर मैंने ये निशान लगा लिया है और जहाँ से आर्म होल के लिए ले रही है 7.5 इंच। साढ़े सात इंच जहाँ तक लिया है हमने वहाँ से भी पूरा 7 इंच ही आना चाहिए, कम ज़्यादा जो है नहीं आना चाहिए हमारा। देखिए इसको हमने इस तरह से निशान लगा लिए। यहाँ से हम काट डाल लेंगे, काट के लिए हम 1.5 इंच के ऊपर ये निशान लगाएंगे। अभी हमने यहाँ से फिटिंग का निशान लेना है। जितनी भी आपकी फिटिंग है आपने उसके हिसाब से ये निशान लगाना है। 1/4 हमने इसकी फिटिंग का निशान लेना होता है। यहाँ से मैंने 10 इंच रखा है, 10 इंच के बाद 6 इंच छोड़कर हमने यहाँ पर कमर की फिटिंग का निशान लेना है। कमर की फिटिंग जो है 8 इंच के ऊपर मैं लगा रही हूँ ये निशान, यहाँ तक 8 इंच के ऊपर ये निशान लगा लिया है। और इसके बाद हमने यहाँ से 15 इंच के ऊपर इस तरह से ये निशान लगा लिया। अभी हमने इसको यहाँ से हिप जो है हमने 19 इंच रखनी है, उसका हाफ जो है हमने 9.5 इंच के ऊपर ये इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने ये निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ से हमने मार्जिन के लिए कपड़ा जो है वो रख लेना है। ये मार्जिन का कपड़ा हो गया बीच में हमारा। और अभी ऊपर एक काट डालनी है हमने। यहाँ से जितना भी आपने नेक रखना है 2.5-3 इंच ये नेक रख लिया है हमने। यहाँ से 1/4 इंच की एक काट डालनी है हमने इस तरह से। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हिप का जो निशान है
के लिए हमने दूसरी तरफ भी हमें पता चले। तो ये हमारे कमीज़ की जो है कटिंग हो चुकी है। ये इसकी स्लीव्स हैं, इसकी भी हमने कटिंग पहले से ही कर रखी है। स्लीव्स की कटिंग की मैंने अलग अलग से वीडियो डाली हुई है। जितनी भी इंच की आपने स्लीव कटिंग करनी है उसके हिसाब से मैंने वीडियो डाली हुई है।